प्रदेश में युवाओं की ऊर्जा एवं उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ का समाज, प्रदेश एवं देश की उन्नति में सार्थक योगदान हो तथा इसके साथ ही उन्हें अपने सपने साकार करने के समुचित अवसर मिले, इस दृष्टि से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर्स की स्थापना करने की घोषणा करती हूँ। इन एक्सेलरेटर्स में सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिक्स फैब लैब एवं मल्टीमीडिया वीएफएक्स संबंधी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस हेतु 1,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। आज देश के बड़े शहरों में जहां एक ओर बढ़ती आबादी के कारण आवश्यक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने सैटेलाइट सिटी विकसित कर सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए मुंबई के निकट पुणे, हैदराबाद के निकट साइबराबाद एवं अहमदाबाद के निकट गिफ्ट सिटी की यूटिलिटी और सक्सेस से सभी अवगत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए गति शक्ति कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार भी इस हेतु सहायता उपलब्ध कराती है। हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख से अधिक आबादी के साथ इस समस्या से जूझ रहा है। इस क्रम में मैं जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस हाईटेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एआई, एमएल सहित अन्य न्यू एज सब्जेक्ट्स के संस्थानों, कंपनियों को स्थापित करने हेतु स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। साथ ही यहां वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप निवासियों को समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। युवाओं के ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का अत्यधिक महत्व है। युवाओं के लिए प्रेरणा के साथ ही किसी भी प्रदेश के लिए गौरव का विषय है होगा कि उसके युवा ओलंपिक्स में भाग लें। ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक्स 2028 की मैं घोषणा करती हूँ। इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भी स्थापित किया जाएगा। इस हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।